मिनी गन फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, दो देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 6 अर्धनिर्मित कट्टा और 2 हथियार बनाने का सामान के साथ 4 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र के खरगांव मोड़ के पास चैनपुर पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी एक बाइक सवार पर 3 लोग आए। जब उनको पुलिस ने रुकवाना चाहा तो वह पुलिस को झटका देकर भागने लगे, जहां पुलिस ने पीछा करते हुए भुवालपुर के पास घेराबंदी कर तीनों बाइक सवार को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि कैमूर के तेनौरा गांव में राम दुलार शर्मा से हथियार खरीद कर आ रहे थे। जब पुलिस उनके घर पर छापेमारी की तो भारी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित सामान के साथ राम दुलार शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। 1976 से अब तक हथियार बनाने के मामले में ही राम दुलार शर्मा 3 बार जेल जा चुका है। गिरफ्तार कई अपराधियों का भी आपराधिक इतिहास है। पुलिस और इनसे पूछताछ कर रही है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। कल देर रात्रि विशेष चेकिंग अभियान में 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। जब उनको चेक किया गया तो उनके पास से 1 देसी बंदूक बरामद किया गया। इनसे जब पूछताछ किया गया कि ये बंदूक कहाँ से लाए, तो ये लोग बताए कि एक राम दुलार शर्मा केनौरा गांव के हैं, उनके यहाँ से लाए हैं। फिर तत्काल एक टीम बनाकर थानाध्यक्ष के रूप में वहाँ छापामारी की गई और वहाँ से बड़ी मात्रा में निर्मित और अनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के सामान भी बरामद हुए। अभी तक कुल 1 नाली देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 6 अनिर्मित देसी कट्टा और बाकी बहुत सारे हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। ये जो अपराधी हैं राम दुलार शर्मा, ये पहले से भी थाने का दागी रहा है और 1976 से अब तक 3 बार पहले भी हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। सर पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में ये अपना संलिप्तता स्वीकार किया और बताया कि अभी कई दर्जन हथियार बनाकर बेचने की बात स्वीकार की। छापेमारी जारी है सर की? हाँ, अभी उसका सत्यापन किया जा रहा है कि कहाँ बेचा गया है, क्या हुआ है, उसके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि हमारे इस मामले में हमारे सभी भाई मिल करके ये सब धंधा करते थे। नहीं, अभी जो हम लोग जांच किए तो उसमें यही एक इसके घर से बरामद हुआ, तो इसके 2 भाई के अलग रहते हैं, उनके घर से बरामद नहीं हुआ था। अभी उस पर कार्रवाई कहाँ सप्लाई करते सर? कुछ अभी ये बता रहा है कि हम वो गोपनीय चीज़ है, वो हम लोग जाँच कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है इसका, उसके बाद कार्रवाई कर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसमें कश्मीरी उलेन मेला। जहां जैकेट, स्वेटर, रजाई, शॉल, कोरियन कंबल, फैंसी कॉर्डिगन एवं बच्चों का भरपूर रेंज का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता: मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल कैंपस, भभुमा, कैमूर। खादिम्स जहाँ जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स। पता: मोहनिया रोड, जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने, भभुआ, कैमूर, बिहार।